राम राम दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है भाई। आज मैं जमुना पे फिर आया हूँ। 7 दिन बाद के बाद की लोकेशन दिखाऊंगा, पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो मैं जमुना पे आ रहा भाई, तो वीडियो में आपको दिखाऊंगा पहले किया था, पहले अब क्या है। तो भाई ये शुरुआत ही कैसे करती है, देखो भाई जहाँ से नाव खड़ी है ना, वहाँ वो ठोकर लगी हुई है। तो भाई वो ठोकर की वजह से पानी पर न जाले है, तो वो कटता नहीं। जो उससे उड़े हैं भाई, यहाँ पे कोई ठोकर नहीं है, वो ऊपर रहती है, वो रोक ले उन्हें ना आ गए, इकट्ठा हो रहा है। अरे भाई यहाँ पे ये जहाँ पे ये है ना, ये यहाँ पे ये कट रहा है, ये कुना है। यहाँ पे पहले एक छोटी सी बाथरूम थी, जो भाई यहाँ रह रहे थे, बाथरूम बनी हुई थी यहाँ पे, और वो बाथरूम कट गया है। पहले बाथरूम से बहुत आगे पानी चल रहा था, आपने पहले वीडियो में देखा भी होगा, वीडियो वगैरह रखी है वो, उसमें यहाँ एक बाथरूम कटी थी, वो बाथरूम भी बह के जाली। और इस तरफ वो देखे तो वहाँ भाई वहाँ पेड़ था जामुन का, वो भी लगभग इससे बहुत आगे था, वो भी कट चुका है। और उसमें पेड़ और भाई एक वहाँ पे मतलब चबूतरा सा बनाया हुआ था, जामुन का पेड़ भी था एक और कहीं का था, वो भी कट गया। और भाई आगे देखो एक वो बाग है, और आगे एक का खेत है, वो भी कट गया। दिखा भाई जमुना का झुकाव भाई इस तरफ हो रहा है, इसलिए इस तरफ की कटर लग रही जमुना सारी। ये देखो अगर पानी चतो भर के चले, जब कटाव रुकेगा चकती कम होकर चले, जब कटाव रुकेगा, अगर पानी चलेगा बीच में तो भाई कटाव नहीं रुकेगा, कटाव बढ़ते ही रहेगा। ये देखो भाई पानी का रुख कैसे हो रहा, यहाँ ना भाई ट्रक चला रहे थे पगी पड़ी। ये देखो भाई जो ये टिल्ला है ना, यहाँ से पहले ही रहा था, यहाँ ना रेत के ट्रक चला रहे थे पगा पड़े हो, इस वजह से कटा नहीं, कटाव को रोक रखा, पक्की जमीन हो रही बिल्कुल पत्थर वर्गी। तो भाई वो देखो ये ईंख है, अरे ये रास्ता देखो आपको दिखा दूँ कैसे था। ये देखो भाई ये रास्ता ऐसे जा रहा था, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे जमुना ने खेत को काट दिया है। ये देखो भाई ये रास्ता ऐसे जा रहा है, ये ऐसे इन मान लो जो हाथ से इधर का एरिया ना, ये सारा ये भाई 5 से 7 दिन में कटा है। और जो भी उस साइड में वो भाई वहाँ पत्थरों से ठोकर लगा रखी, जो पानी ने रोक रखे, पानी ने दूसरी तरफ कर दिया है भाई। आगे वो बाघ है, बाघ कटन लग रहा, वो भी आपको दिखाऊंगा। मान लो 8-10 पेडे भी पड़े हैं, और फिर जितना पानी आऊगा कटा होगा उतना फिर पड़ता रहेगा। पानी बहुत तेज हो रहा भाई, पानी भर रहा भाई नीचे, बारिश हुई थी रात ने, उसका पानी भर गया है। अरे भाई वो परली तरफ यूपी है, यूपी का इलाका आ जा, उस तरफ पानी का जोख नहीं है, वहाँ पर मान ले टप्पू दिख रहे हैं, उस तरफ पानी कम है, अपनी तरफ पानी ज़्यादा है, तो इस तरफ कटा लग रही है। ये ऊपर है भाई, भाई मैं 10 दिन पहले आया था ना ट्रैक्टर लेके, तो जब पानी करो वहाँ ना था, वहाँ ना गया था मैं ट्रैक्टर लेके, अब देखो कितना कट गए। और जो पेड़ है ना, वो पेड़ बहुत दूर था और वीक है। अरे भाई आगे वो बाग है, देखो भाई ये बाग है। अरे आपको भाई जूम करके दिखा दूँ, आपको नज़र भी आते होंगे, तो ये पेड़े पड़े हैं जो डांग के किनारे किनारे पे है ना, ये पेड़े पड़े हैं अमरूद के, अमरूद का बाग है वो, अमरूद के पेड़े पड़े हैं, पानी तकटा हो के पेड़े पड़े हुए सारे।
ये देखो भाई, आज वैसे कट्टा कम चल रहा है, पता नहीं पानी ज़्यादा या कम है, मैन बात का पता नहीं भाई, मुझे भी पानी कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो अगर रो जावे तो उसमें बेहतर है भाई, कल पानी कितना था आज कितना, मैं आज कम से कम 8-10 दिन में आया हूँ तो कति मैन पता नहीं भाई कितना पानी था पहले। ये देखो भाई, देखो यार डांग में तेरे डारी ने पड़ेगी, देखो अरे ये रास्ता अपने रखा भाई यहीं हमने, जो पहले गोरी थी भाई वह जमुना के किनारे किनारे पता है, वह जमुना ने काट दी, अभी अब ये खेत तो मैं राह बना दिया, क्या करें मजबूरी है भाई, जाना भी पड़ा खेत में, और भाई यहाँ ट्यूबवेल चल रहा, जमुने के किनारे पे ट्यूबवेल चल रहा, देखो भाई इस साइड तक अमरूद का बाग है, एक की ओट होगी, चलो आगे जाके दिखाऊंगा। ये देखो ये अमरूद का बाग कई किलो में था भाई, अमरूद का बाग भी कट कट के छोकता हो लिया, दिखाऊंगा वो यहाँ तक कैसी पोजीशन यहाँ की, ये दान बुरे यहाँ, ये देखो भाई ये दान बुरे, ये देखो भाई जमुना यहाँ पे ये दान बुरे थे, दान देखो किस तरह से कट चुके हैं, और भाई ये लगभग 2 किले की लंबाई के दाने, मतलब 2 किले की लंबाई जो जमुना में कट रही है वो है, देखो भाई धनों की हालात इस तरीके से, माटी कट के नीचे पड़ी है और पेडे भी, मतलब कि जमीन का भी नुकसान हो रहा है किसान भाई का, और भाई जो उसमें फसल बो रखी है उसका भी साथ में नुकसान हो रहा है, तो भाई देखो किसान भाइयों को कितना नुकसान सहन करना पड़ रहा है, देख सकते हो ये देखो भाई जमुना किस तरीके से चल रही है, किनारे किनारे पे देखो भाई किस तरीके से, किनारे पे जाने में भी डर लगता है भाई, क्योंकि डांग के नीचे पानी बड़ा हुआ है, कटा कर रखा, अगर उसके ऊपर से दाब पड़ेगी तो नीचे गिर जाएगी, इतना वो हो रहा है, और भाई दान बढ़िया खड़े एक नंबर के, पर क्या करे जमुना में कटन लग रही है भाई, देखो किसान भाइयों ने कितनी मेहनत करके दान को लगाया, फिर उसमें खार दवाई भी डाली, अब ये कटन लग रही, और भाई तो भाई तो बुझ जाएंगे भाई कुकर के कैसे क्या चल रहा है, ये कटा चल रहा है, रुक रहा कटा चल हुआ, पानी कम हो रहा, बढ़ रहा पानी तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये अमरूद कितना कट गए यहाँ पे, 3 किलो, जो ये ठोकर था पर वहाँ भी कटा हुआ है, आगे ही आगे आगे भी चल रहा है, आगे भी चल रहा है, अच्छा देखो भाई ये आगे अमरूद आगे है, देखो भाई ये अमरूद है, अमरूद का बाग आ चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से कटा लगा हुआ है, और जमुना के अंदर देखो भाई पेड़ अमरूद के किस तरीके से पड़े हुए, तो अमरूद का बाग है, अमरूद पे फड़ा रहा बहुत ज़्यादा, अब ये अमरूद इसमें कट के नीचे गिरने लग रहे जमुना में, और अमरूद पे फड़ा रहा, देखो भाई किस तरीके से कटा लग गया भाई, भाई ये भाई तो पूछ रहा ये बता रहे थे भाई 3 किले अमरूद के कट चुके हैं, 3 किले, अब देख सकते हो आप अंदाजा लगा सकते हो 3 किले अमरूद के कट गए,
और जो उसमें फसल भी हुई थी अमरूद की, मतलब जो अमरूद के पेड़ खड़े हुए थे वो भी कट चुके हैं उन पर। मान लो कितने अमरूद लग रहे होंगे, क्योंकि भाई अब अमरूद का सीजन आ गया तो भाई अमरूद भी लग रहे थे और वे कट गए ऐसे। तो भाई किसान भाइयों को नुकसान ही हो रहा है, देख सकते हैं अमरूद का पाक है। तार बांध रखे भैया, अगर हवारा पशु ना आए, क्योंकि भैया हवारा पशु भी बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं और भी बहुत नुकसान करते हैं वो, तो इसलिए भाई किसान भाई तार बांध रखे हैं। और भाई इस बाग के अंदर एक बढ़िया सा मकान बना रखा, मतलब जिस तरीके से हम कह सकते हैं, मतलब जो कर अपने गांव में हम घर बना लिया बढ़िया कोठी सी, उस तरीके से एक मकान बना रखा है। यहाँ आपको थोड़ी सी दिखाऊंगा अभी उसके सीन, देख सकते हो भाई ये गेट है और ये गेट के अंदर देखो भाई किस तरीके से पक्की सड़क बना रखी। तो ये था भाई अमरूद के बागों में जो मकान था ये। और भाई ये देखो आप, ये हल्दी बो रखे है, हल्दी के पेड़ देख सकते हो भाई कैसे होते हैं, ये हल्दी के पेड़ थे भाई ये देखो। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।